नाइन्थ क्लास आज हम यूनिट 8 में स्टडी करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है इसकी डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, हरारत की वो मिकदार जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम किसी भी चीज का थ्रू 1 केल्विन इस कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या मतलब है इसका कि कोई भी शय जिसका मास 1 किलोग्राम हो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो हीट कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखें कि आमतौर पर हम देखते भी हैं और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि हीट के देने से टेम्परेचर में चेंजिंग आती है। कोई भी चीज़ है आप उसको हीट सोर्स पर रखते हैं, चूल्हे वगैरह पर रखते हैं, ठीक है, तो आप जब चूल्हे पर रखते हैं हीट देते हैं, चेंज इन हीट कैरी चेंज इन टेम्परेचर, हरारत में तब्दीली से टेम्परेचर में चेंजिंग आती है, टेम्परेचर चेंज होता है। मतलब हम एक चीज़ चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखते हैं, हम हीट दे रहे होते हैं, हीट देने से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अब यहाँ भी यही कहा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 किलोग्राम थ्रू 1 केल्विन, 1 किलोग्राम टेम्परेचर, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट मास का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अब यहाँ देखें कि लेट ये बाउल है, ठीक है, बाउल है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस हमने लिया हुआ है, यहाँ हमने हीट सोर्स दिया, ठीक है, आग जलाई, हीट सोर्स दिया, ठीक है, हमने जैसे हीट देना शुरू की इस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। मीन्स कि डेल्टा क्यू चेंज इन हीट कैरी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, हीट के चेंज होने से टेम्परेचर में चेंजिंग आती है। हम जितनी देर किसी ऑब्जेक्ट को हीट सोर्स पर रखते हैं, चूल्हे पर रखते हैं, तो उतना ही उसका टेम्परेचर चेंज होता है, इंक्रीज होता है। हमें मैथमेटिकल रिलेशन दिया हुआ है सामने, डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डेल्टा टी, मीन्स डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास डेल्टा टी के, डेल्टा क्यू चेंज इन हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास डेल्टा टी। अब मास तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, मैस तो चेंज नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कि हमने 1 किलोग्राम पानी रखा गर्म होने के लिए वो 2 kg हो गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कॉन्स्टेंट ही रहता है। अगर हम जो है उसके स्टीम वगैरह का मैस लास्ट में देख लेते हैं तो टेम्परेचर की चेंजिंग डिपेंड कर रही है हीट की चेंजिंग पे, डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस डेल्टा टी के। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके हम इक्वालिटी लगाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ता है, यहाँ पर सी जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एम डेल्टा टी के वैसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मास डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, सी किसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा क्यू और मास डेल्टा टी के। सी क्या है? सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। अगर हम इसका ऐसे यूनिट देखें इसी मैथमेटिकल रिलेशन से, डेल्टा क्यू हीट है, इसका यूनिट क्या होता है? जोल सामने, और मास का यूनिट किलोग्राम, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, जोल पर किलोग्राम पर केल्विन, हम ये लिखते हैं जोल पर किलोग्राम पर केल्विन इज द एस आई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एक बात और कि हर ऑब्जेक्ट की, हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है। मतलब कोई चीज़ है उसको आप हीट देते हैं वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होता है, कुछ चीज़ों का लेट होता है। एक बात और भी देखें, आप किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए हीट दे रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसा भी कह सकते हैं कोई भी चीज़ गर्म होने के लिए हीट को अब्जॉर्ब कर रही है, हीट दें या ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब करें एक ही बात है।
मतलब आप किसी भी चीज को गर्म करने के लिए जो हीट देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए या गर्म होने के लिए जो हीट ऑब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ देखें वाटर, पानी, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम पानी उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन बढ़ाना है तो आपको हीट एनर्जी कितनी देना होगी? 4200 जूल, 4200 जूल। 1 किलोग्राम पानी मीन्स कि 1 लीटर वाटर लिया, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको 4200 जूल एनर्जी देनी होगी। सेल की 820 कहीं भी 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। मतलब आपने अगर सिर्फ 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको 820 जूल एनर्जी देना होगी। अगर आप 2 केल्विन बढ़ाएं फिर 820 और देना होगी, टेम्परेचर आप जो है बढ़ाते रहेंगे। अब ये वाटर जो है पानी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने से इसकी इम्पोर्टेंस है, ये इसी के साथ है टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी अहमियत, देखिए वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, इसकी इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी लार्ज है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? बेटा पानी जो है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये एज अ एनर्जी कैरियर इस्तेमाल होता है। मीन्स के एनर्जी को एक जगह से, हीट एनर्जी को, एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम सर्दियों में पानी गर्म करते हैं उसको हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी को हम जो है नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वाटर को, पानी को। तो जब हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पानी वहां से हीट एनर्जी लेते हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। हमने पानी गर्म किया, फर्श वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल किया, वहां से हीट एनर्जी ली, उसने फर्श में ट्रांसफर कर ली, ठंडा फर्श था गर्म हो गया। इसी तरह गाड़ियों में जो है, गाड़ी के इंजन में हम पानी डालते हैं, क्या गाड़ी पानी से चलती है? वो तो पेट्रोल से चलती है, लेकिन वो जो पानी है उसके इंजन की कूलिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। उसके इंजन में जब इंजन जब चलता है गर्म हो जाता है तो पाइप्स की मदद से पानी जाता है, इंजन की हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके दूसरी तरफ फैन में जाके ठंडा होते हैं, वहाँ रिलीज करते हैं। इस तरह कॉन्टीन्यूस वो सर्कुलेट होता रहता है और इंजन का, इंजन की जो हीट है वो कम करने की कोशिश करता रहता है। अगर आप पानी न डालें, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो इंजन जो है वो बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो पानी की अपनी एक अहमियत है। आगे जाके हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ेंगे, वो भी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से है। तो बेटा आज हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।